बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे नेम ऑफ द शेप्स। सो बच्चों, आज हम यूज करेंगे ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर। सो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर, जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, हमने पहले से ही सर्कल, हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और सर्कल बनाने के लिए हमने ऑलरेडी छोटे छोटे डॉट्स लगा रखे हैं। इससे क्या होता है बच्चों, हम डॉट्स से डॉट्स को जब कनेक्ट करते हैं, मतलब डॉट्स से डॉट्स को जब मिलाते हैं, तो हमारे लिए बनाना बहुत ईजी हो जाता है। सो बच्चों, ये बन गया हमारा सर्कल, और सर्कल में हम रेड कलर करेंगे। सर्कल में हम कौन सा कलर कर रहे हैं बच्चों? रेड कलर। तो बच्चों, प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि हम लास्ट में इनमें नाम भी लिखेंगे। अब हम दोबारा ब्लैक कलर यूज करेंगे, और जैसे कि आप देख रखे हैं, हमने हार्ट की शेप में डॉट डॉट्स लगा रखे हैं। उन डॉट्स को हम एक दूसरे से मिलाते जाएंगे। बच्चों, कभी भी आप कुछ भी ड्रॉ करो, तो ऑलवेज सबसे पहले आप डॉट्स बनाएं। डॉट्स बनाने से कुछ भी ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो बच्चों, आप बताओ, अब हम इसमें कौन सा कलर करें? हार्ट में ग्रीन करते हैं। सो बच्चों, हमने हार्ट में ग्रीन कलर किया। अब हम अगेन ब्लैक कलर यूज करेंगे, और इन डॉट्स को एक से एक मिला के हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों? ट्राइंगल। सो बच्चों, हम ट्राइंगल में ऑरेंज कलर फिल करेंगे। बच्चों, कभी भी आप कुछ भी ड्रॉ करो, तो उसमें ऑलवेज आप डॉट डॉट लगाएं, और डॉट लगाने के बाद आप ड्रॉ करें। उससे उसकी शेप को ड्रॉ करने में आपको आसानी होगी। और दूसरी बात, जब आप ना, और ऑलवेज जो भी आप ड्रॉ करो, उसकी साइड में आप आउटलाइन जरूर बनाएं, क्योंकि आउटलाइन बनाने से क्या होता है बच्चों, जो भी आप कलर फिल करते हैं, वो उस आउटलाइन से बाहर नहीं जाता। जैसे कि अभी आप देखिए, हमने पहले ब्लैक आउटलाइन की थी, तो उससे क्या हुआ, अभी हमारा ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर शेप से बाहर नहीं गया। सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक वॉच करना, बिकॉज हम लास्ट में इनके नाम बताएंगे। नहीं, नाम तो हमने बता ही दिए, नाम लिखेंगे। सो हम नाम लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये क्या है? सर्कल, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। सो बच्चों, ये क्या है? एच ई ए आर टी, हार्ट। सो बच्चों, ये क्या है? टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल। सो बच्चों, ये हमारे हो गए नेम ऑफ शेप्स। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से एबीसीडी लिखना, शेप्स बनाना, ड्रॉ करना। थैंक यू सो मच बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन, बाय।